टी20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हो रहे फाइनल मुकाबले में भारत की जीत के लिए देश भर के क्रिकेट फैंस आस लगाए हुए हैं। प्रयागराज में टीम इंडिया के प्रशंसकों ने भारतीय टीम की विजय के लिए मां गंगा की महाआरती की और शिवजी का रुद्राभिषेक कर ईश्वर से भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थना की है। प्रशंसकों ने इंद्रदेव को खुश करने के लिए विशेष अनुष्ठान भी किया है ताकि इंद्रदेव की कृपा भी मैच में भारत के पक्ष में बनी रहे। सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक करके 11 वर्ष से जिस के लिए हम लोग आकांक्षित थे और इस उपलक्ष में हम लोगों ने कि आज भारत और अफ्रीका के मध्य होने वाले विश्व कप में भारत को विजयश्री की प्राप्ति हो, जिसका हम लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था, आज हम लोगों ने उसी उपलक्ष में संगम दशाश्वमेध तट पर सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक पूजा करके माँ गंगा से प्रार्थना किया है कि भारत विश्व कप विजयी हो। प्रयागराज के संगम के पास गंगा किनारे के दशाश्वमेध घाट में चल रहा ये अनुष्ठान बारबाडोस में आज टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल के मुकाबले में भारत की जीत की कामना के लिए है। इंग्लैंड से पिछले वर्ल्ड कप का हिसाब चुकता करने के लिए आज का ये मैच बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे लेकर क्रिकेट के फैंस ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं। आज हम लोगों ने प्रयागराज के पावन तट दशाश्वमेध घाट पर समस्त क्रिकेट प्रेमी एकत्रित हुए और अपने भारत को विगत कई वर्षों से चैंपियनशिप से बाहर देखते रहे, जिस बात को लेकर के आज हम लोगों को लगा, आज हम लोग उत्साह से भरे रहे कि आज हमारी माता गंगा जमुना सरस्वती का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके हम सभी क्रिकेट प्रेमियों ने अपने खिलाड़ियों के लिए कामना की है कि इस बार हमारा भारतवर्ष विश्व के पटल पर T20 मैच में चमके। मैच में बारिश से धुलने का खतरा भी मंडरा रहा है, जिसे लेकर तीर्थ पुरोहितों ने यहां इंद्र भगवान का विशेष पूजा अनुष्ठान भी किया है। इंद्रदेव से याचना की है कि मैच में बारिश का साया ना मंडराने पाए। मैच है, जैसा वहां पर बताया गया है कि फोरकास्ट आ रहा है कि वहां पर बारिश हो सकती है, तो आज हम सब ने माँ गंगा की आरती हवन अभिषेक करके उनसे प्रार्थना किया है कि हे माँ, उस सारे मैच के दरमियान किसी प्रकार की कोई बाधा ना उत्पन्न हो, मैच सकुशल संपन्न हो और हमारा भारत विजयी बने, विश्व विजयी बने, हमारा देश का नाम रोशन हो। वहीं टीम इंडिया के इन प्रशंसकों का कहना है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाला ये मैच एक मैच नहीं बल्कि देश भर के करोड़ों देशवासियों के उम्मीदों का प्रतीक है। इसे हर हाल में हमारी टीम इंडिया जीत कर आए, इसीलिए ये पूजा अर्चना और प्रार्थना की गई है।